चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट होता है और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है इनमें क्या डिफरेंट है। बहुत आसानी से आपको बताऊंगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फिक्स जो कॉस्ट होता है डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, यानी जो फिक्स कॉस्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता अगर आउटपुट में कितना भी चेंज होगा। एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ लेते दूसरा वाला, फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज आउटपुट, यानी कि जब भी आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज होगा फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये नाम इसका क्या है, फिक्स कॉस्ट। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, देखो नाम से समझ जा रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज बदलेगा, इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज आउटपुट एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन आउटपुट, यानी कि आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा और अगर आउटपुट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। चलिए यहाँ पे अब समझते हैं कि व्हेन आउटपुट इज जीरो, अगर आउटपुट जीरो होगा तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज होगा, क्या बदलाव होगा। देखो यहाँ पर सिंपल लिखा है, फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, अगर आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि फिक्स कॉस्ट के अदर नेम क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सप्लीमेंट्री कॉस्ट हो सकता है, ओवरहेड कॉस्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अदर नेम क्या होंगे, प्राइम कॉस्ट होगा और डायरेक्ट कॉस्ट होगा, ठीक है। इनका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर फिक्स कॉस्ट होगा तो ग्राफ बिल्कुल उसका कॉन्स्टेंट बनेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा आप देख सकते हो, यहाँ पे ये उल्टे एस की शेप पे बनेगा, जो आपको दिखाई देगा उल्टे एस की शेप पे बनेगा इस तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।